एसपी रीवा विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। चुनाव तो अब होगा। राजेंद्र शुक्ला अभी तक चुनाव मैनेज करते थे। पार्टी ने अगर मौका दिया तो मैं लड़ूंगा मंत्री के खिलाफ चुनाव। मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासन तक भाजपा के खिलाफ मजबूत लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जुमले बाजों की सरकार अब नहीं, देश में अडाणी, प्रदेश में दिलीप बिल्डकॉन, शहर में समदड़िया की सरकार है, कहा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने। मैं चुनाव लड़ूंगा तो रीवा से, नहीं तो कहीं से नहीं लड़ूंगा, और मैं पार्टी का काम करूंगा पूरे बिंदु में। चुनाव मुझे रीवा और सिर्फ रीवा से लड़ूंगा, और मैं ये हमें जेल में डाल देंगे तब भी मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं जेल से ही चुनाव लड़ूंगा। मैं रीवा की जनता से न्याय की अपेक्षा रखता हूँ कि रीवा की जनता न्याय करेगी। मैंने पार्टी को अपनी बात कह दी है और पार्टी मेरे इस बात पे विचार करेगी। मैंने उनको बता दिया है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ रीवा से लड़ूंगा। इस अराजकता, इकोनॉमिक क्राइम और भय, आतंक, जमीन की लूट, इससे अपने रीवा को मुक्त कराऊंगा। मेरा जन्म स्थान है रीवा, यहाँ का मैं निवासी हूँ। इसके लिए मैं इस बार चुनाव लड़ना चाहता हूँ, पार्टी मुझे अवसर दे। और ये भी कह दिया कि आप अगर हमें ये अवसर नहीं देंगे तो कहीं और मत दीजिएगा, मैं कहीं और से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी की सेवा करूंगा आठों सीट और पूरे बिंद में पार्टी को जिताऊंगा। खंडी जैसे नालाने मंत्री जी, अगर ये इनके अंदर थोड़ा भी मर्दों का खून है, थोड़ा भी जज्बा है, थोड़ा भी इनके अंदर अगर वो है, खुददारी है, तो ये जनता के वोट विभाजन से फैसला करा ले इसका। जनता के सामने वो भी आ जाते हैं, जनता के सामने मैं भी आ जाता हूँ, और मैं ना सही तो कांग्रेस का कोई भी जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी वो आ जाए। और ये जनता के मत विभाजन से अपनी लोकप्रियता को इस बार आंख ले और नाप ले कि ये कहाँ खड़े हैं। ये 25-30 हज़ार वोटों से ज़्यादा वोट से हारेंगे और इनको ये बात मालूम है। तो ये शिखंडी जैसे ये जो काम कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से खेल करना ये बंद है। ये सामने आए और सामने चुनाव लड़के ये सब काम करें, यही हमारा ये कहना है। और मैं इनके विरुद्ध मैं चुनाव लड़ूंगा तो इन्हीं के विरुद्ध, नहीं तो फिर पार्टी की सेवा करूंगा, आठों विधानसभा और पूरे बिंद में हराऊंगा बीजेपी। और पार्टी अगर हमें टिकट देगी तो मैं एक ही टिकट लूंगा रीवा, और मैं इनको चुनौती देता हूँ कि हमसे चुनाव लड़के ये इस बार जीत लें। अभी तक ये चुनाव लड़े नहीं है, अभी ये गोटी अभिटाए, अभी ये खेले हैं, चुनाव इस बार इनको लड़ना पड़ेगा, अभय मिश्रा से चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये गरीब आदिवासी महिलाओं और उन बेचारों का उपयोग करना बंद करें, और ये पुलिस अधीक्षक जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एजेंट बतौर काम कर रहे हैं, इनका दुरुपयोग बंद करें। और नहीं तो यही चलता रहा तो रीवा में एक दिन सामाजिक क्रांति खड़ी हो जाएगी।